हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह, फिर से लेकर आया हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऐसे भाई जो सऊदी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री से यूरोप जाना चाहते हैं, या फिर जो इंडिया में काम कर रहे हैं इंडिया से यूरोप जाना चाहते हैं ट्रैकिंग के करियर में, चाहे पोलैंड, लातविया, लुथीनिया या और भी कोई कंट्री हो उसमें वो एज अ ट्रक ड्राइवर जाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए या किन किन डॉक्यूमेंट की उनको ज़रूरत पड़ेगी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इंडियन कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए और जीसीसी कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले तो हमको अपना पासपोर्ट चाहिए, ECNR पासपोर्ट है तो सबसे बढ़िया है, जिसमें इमिग्रेशन की रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं ECR और ECNR में क्या फ़र्क है। जिसके पास 10वीं की मार्कशीट होती है और 10वीं की मार्कशीट अपने पासपोर्ट के बनाने के टाइम पे उसने लगाई है तो उसका पासपोर्ट ECNR है, यानी उसको इमिग्रेशन की रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, जिसका ECNR है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका जो पासपोर्ट है कम से कम एक साल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्क परमिट लगता है एक साल का, तो एक साल वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लाइसेंस। आपके पास इंडिया का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या जिस भी गल्फ कंट्री में आप काम करते हैं वहाँ का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों अगर इंडिया की बात करूँ, बहुत सारी कंपनी या यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि कम से कम 3 साल पुराना लाइसेंस होगा तो आप यूरोप आ सकते हो, या कोई कंसल्टेंट कहता है कि अगर आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस है तो हम आपका काम करा देंगे। दोस्तों इंडियन लाइसेंस पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सी झोल मोल हो रही है। कई कंट्री और कई कंपनी और कई कंसल्टेंट ये कहते हैं कि हमको सन 2009 के 9वें महीने से पहले का लाइसेंस चाहिए, भले आपका एक्सपीरियंस पिछले 2 साल का हो लेकिन लाइसेंस हमें तब का चाहिए। कि बहुत सारी कंपनी, कंट्री और बहुत सारे एजेंट ये चाहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि 2009 9वें महीने से पहले का जो लाइसेंस है उनकी ट्रेनिंग वहाँ जाके बहुत कम होती है, उनको एकदम से गाड़ी मिल जाती है 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद गाड़ी मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें उसके बाद के लाइसेंस के 10 11 12 15 18 19, तो भाई उनके लिए दिक्कत आती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत लंबी होती है, जो थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। तो इस वजह से कई कंट्री, कंपनी या एजेंट 2009 के बाद के जो है लाइसेंस को नहीं लेती है, लेकिन जहां पर लेती है आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपका 3 साल पुराना हैवी ट्रक ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और हमको लाइसेंस का एक IDP निकालना पड़ता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। भाई ये क्या होता है, ये ऑनलाइन निकल जाता है या RTO में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। GCC में भी ये लेना पड़ता है अपने लाइसेंस का, और इंडिया में भी। इसका मतलब ये है कि आपका लाइसेंस वही है, बस उसकी वो ट्रांसलेट कर देते हैं एक फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको IDP बोलते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आप ही के लाइसेंस का अनुवाद कर देते हैं वो, ठीक है। उसको फिर हमको अपोस्टल भी कराना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपोस्टल पता नहीं, उसे मंत्रालय से रजिस्टर कराना पड़ता है। चाहे आप अगर सऊदी अरब में है या गल्फ में है, सऊदी अरब में तो मोफा से रजिस्टर कराना पड़ता है, हमारे इधर उसको पोस्टल करवाना पड़ता है, ठीक है। वो करवाना जरूरी होता है लाइसेंस पे, ठीक है। IDP बनाई, IDP को पोस्टल करवा लिया। अब उसके बाद जो अगला हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है सबसे जरूरी, एक्सपीरियंस लेटर। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया का आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर बना के दिया किसी ट्रांसपोर्ट से, तो दोस्तों उसको वेरीफाई भी किया जाता है। आप चाहे गल्फ में है चाहे कहीं भी, उसको वेरीफाई किया जाता है। गल्फ में तो फ़ोन करने से काम हो जाता है, लेकिन इंडिया में कई बार क्या होता है कि एक आदमी आपकी ट्रांसपोर्ट में जाता है और आपकी पूरी तहकीकात करता है, और आपके ट्रांसपोर्ट में जाके बाकायदा आपका एक्सपीरियंस लेटर दिखा के पूछता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक यहाँ काम किया है, और वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा वो पेपर पर ट्रांसपोर्ट की स्टैम्प और मैनेजर के साइन लेके जाता है। तो इस तरीके से जो वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन करती है हेलो वेरीफाई। दोस्तों हेलो वेरीफाई एक प्राइवेट ऐसी संस्था है जो बहुत सारी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके रखती है। उसका काम यही होता है कि उसने वेरीफाई करके एम्बेसियों को बताना होता है कि भाई हाँ इसका एक्सपीरियंस लेटर फेक है, इसका एक्सपीरियंस लेटर सही है। उसका काम इतना है, उसके लेटर के बगैर आप जो है एम्बेसी में नहीं जा सकते, या उसका एक्सपीरियंस लेटर लेने के बाद ही आप एम्बेसी में जाओगे तो आपका वीजा प्रोसेस होगा, ठीक है। दोस्तों एक्सपीरियंस लेटर चाहिए कम से कम 2 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगला आपको PCC, अगला डॉक्यूमेंट PCC चाहिए। दोस्तों अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया की PCC चाहिए, और PCC को भी अपोस्टल कराना पड़ता है, यानी मिनिस्ट्री से अटेस्टेड कराना पड़ता है।
अगर आप गल्फ में है तो आपको गल्फ की पीसीसी भी चाहिए और इंडिया की पीसीसी भी चाहिए। गल्फ की जो पीसीसी है उसको मोफा से, अगर आप सऊदी में है तो मोफा से अटेस्टेड करवाना पड़ता है। पीसीसी भी आपने निकलवानी है दोस्तों। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में दो पीसीसी होती है, एक पासपोर्ट ऑफिस से एक एसपी ऑफिस से, तो दोनों ही चल जाती है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अलावा कुछ एक दो, अगर आपके पास इंडिया का पैन कार्ड है वो भी आपको चाहिए। हेलो वेरिफिकेशन जब आप कराओगे तो पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा। जब आप यूरोप में पहुंचोगे आपका वहां पर अकाउंट खुलेगा तो पैन कार्ड की जरूरत वहां पर भी पड़ती है, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है अपना अकाउंट खोलना। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट में नाम कुछ और है या आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, तो भाई नाम भी एक जैसा होना चाहिए और सरनेम भी होना चाहिए। जैसे गुरजीत सिंह, मेरा नाम गुरजीत है और मेरा सरनेम है सिंह, तो इस तरीके से पूरा नाम होना चाहिए और सरनेम होना चाहिए। तो गाइज ये कुछ मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन डॉक्यूमेंट के जरिए आप बहुत आसानी से यूरोप में मूव कर सकते हैं और जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करवाएंगे वो कंसल्टेंट भी जो आपको इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रूर बताएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।